सुना है शर्मा जी को बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। हाँ, बीमारी तो हो गई है, पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर उनसे अच्छे से बात किया जाए, उन्हें कोई टेंशन ना दें, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक काम करता हूँ, उनको फोन ही कर लेता हूँ। पर यार, तुम ना कुछ उल्टा पुल्टा मत बोल देना। हाँ, तुम तो मुझे पागल ही समझते हो। हेलो शर्मा, कैसा है भाई? भाई कोई टेंशन उन्शन मत लेना, ये छोटी मोटी बीमारी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, ले बात कर। शर्मा जी, सुन के बड़ा दुख हुआ कि आपको ये बीमारी हो गई है। आपने अपना ध्यान रखना। सच बता रही हूँ, बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसी बीमारी से मेरे चाचा जी मर गए थे। क्या हो गया, मुंह बना के बैठी हो? क्या हो गया? मेरी बहन के साथ धोखा हो गया। तुम्हें याद है शादी के टाइम पे लड़के वालों ने क्या कहा था? हाँ, यही कि लड़के के पिताजी गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। पैसा ही पैसा हो गया। क्या हो, बड़े आदमी नहीं है क्या? पूरे गांव से बड़े, 120 साल के। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हाँ तो हर साल तुम भी तो बढ़ती जा रही है। सच बोल रही हूँ, अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? पहाड़ों की बर्फ पिघल जाएगी, हर जगह पानी पानी हो जाएगा। तो फिर सब डूब जाएंगे। सब डूब जाएंगे, हम दोनों नहीं डूबेंगे। क्यों? क्योंकि सबकी पत्नी उनका जहां होती है, तुम तो मेरा जहाज हो। कस्टर्ड नहीं, कुछ और खाना है। जहर खिला दूं? रुक जाती, तुम्हारी बाहों में सोना है। किसकी बाहों में? नहीं, मेरी बाहों में कांटे लग रहे हैं? नहीं, कांटे लग रहे, बताना। दिल नहीं लग रहा तुम्हारी बाहों में आना। उसको तो मैं नहीं, पहले तुम्हें बताऊंगी मैं, तुम्हें। रुक जाओ तुम। दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। वाह, नहीं तू तो राजकुमार है। नहीं, राजकुमार है, लड़कियों के दिल नहीं लग रहे तेरे बिना। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, यहाँ से निकलने के बाद। है, मम्मी का कॉल आ रहा था ना तेरा। तुझे ये है तेरी मम्मी? ये है? नहीं, इसकी गोदी में सोएगा तू, रुक जा। जाते जाते अपने अड्डे पे सामान दे जाऊंगा। कौन सा अड्डा, कौन सा सामान? नहीं बताओ कौन। रोज रात भर मीटिंग चलती रहती है तुम्हारी। कल भी सुबह 3 बजे आए थे। अरे मैं तो मीटिंग अपने घर ही रख लूं, फिर तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्ही कहोगी कि ये यार दोस्त, चाय कॉफी खाना। और भाई नया नया बिजनेस है आकांक्षा, प्लान है, प्रेजेंटेशन है, ये सब बनाते बनाते कुछ पता नहीं चलता कब सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह हो जाती है, बहुत हेक्टिक रहता है। अरे वो सब तो ठीक है, तुम अच्छा है, अपना काम कर रहे हो, लगे हुए हो। चिंता तो बस मुझे एक बात की है, ये तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, इसके साथ तुमने कम से कम 10 ड्रम दारू तब तक पी ली होगी, है ना? अरे दारू वारू की चिंता छोड़ दो तुम बिल्कुल भी, अब वो वाली चीज नहीं है। अब ना दारू, ना आंखों में नींद, ना चैन, और घर का भी आने जाने का बस ऐसे ही रहेगा। बहुत काम करना है यार अब। लेट क्यों आओगे? मेरे गुरु ने कहा है कि अगर लाइफ में सक्सेस पानी है ना, तो नशा, नींद और नारी, इनसे दूरी बना के रखो, तभी कुछ हासिल होगा। उन्होंने कहा है कि अपनी बीवी के ना ज्यादा तारीफों के पुल नहीं बांधने चाहिए। क्यों? वो कहते हैं कि आप कितनी भी तारीफ कर लो बीवी की, कितनी भी खुशी दे दो इन्हें, लेकिन तुम इन बीवियों की नजरों में वही पति रहोगे जो भगवान किसी को भी ना दे।